जीआईटी की स्मार्ट क्लास में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। लॉकडाउन के समय को फुल यूटिलाइज करने के लिए हमने न्यू सिलेबस के आधार पर न्यू वीडियोज की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज की सीरीज में, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। साथ ही हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे प्राइमरी ग्रुप कौन से हैं और सब ग्रुप कौन से होते हैं, हम अकाउंटिंग लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं सिंगल सिंगल मेथड से, और हम मल्टीपल मेथड से लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, और सिंगल और ग्रुप को मल्टीपल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इन सब टॉपिक को सीखने के लिए आप लोगों के लिए पहले से नोट्स बना कर रखा गया है, नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। सबसे पहले इस नोट्स के जरिए सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि मास्टर्स क्या है। मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, जो ऐसे अकाउंट सेट होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग हम बार बार करते हैं। इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट को देखने के लिए किया जाता है। मास्टर्स क्या है? ऐसे अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर हैं जिन्हें एक बार बनाया जाए और बार बार इस्तेमाल किया जाए, वो हमारे मास्टर्स कहलाते हैं। इन मास्टर को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। एक है अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा है इन्वेंट्री मास्टर, तीसरा है पेरोल मास्टर, और चौथा है स्टेटरी मास्टर। अब सबसे पहले तो हम लोगों को सीखना है अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में। इसके अंतर्गत हमें ये सीखना है कि ग्रुप क्या होता है, अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, वाउचर टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। अब सबसे फर्स्ट चीज़ है ग्रुप। तो ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ सेम नेचर, एक समान नेचर के लेजर्स का कलेक्शन एक ग्रुप कहलाता है। अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। जैसे कस्टमर के लेजर को सनी डेटर्स के ग्रुप में रखा जाता है, सप्लायर्स के लेजर को सनी क्रेडिटर के ग्रुप में रखा जाता है। इस प्रकार हर लेजर को एक कॉमन ग्रुप में रखा जाता है, वह उसका अकाउंटिंग ग्रुप या कॉमनली ग्रुप भी कहा जाता है। अब टैली में ग्रुप कितने होते हैं? टैली में टोटल जो है 28 पहले से बनाए गए ग्रुप प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं, यानी सॉफ्टवेयर के साथ ही ये ग्रुप सारे इनबिल्ट रहते हैं। इसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप हैं और 13 जो हैं सब ग्रुप हैं। वो 15 कौन से हैं? सबसे पहला ग्रुप है कैपिटल अकाउंट, सेकंड है करंट एसेट्स, तीसरा है करंट लाइबिलिटीज, चौथा है फिक्स एसेट्स, पांचवा है इन्वेस्टमेंट्स, छठा है लोन लाइबिलिटीज, सातवां है सस्पेंस अकाउंट, आठवां है मिसलेनियस एक्सपेंस, नौवां है ब्रांच एंड डिवीजन, दसवां है सेल्स अकाउंट, ग्यारहवां है परचेज अकाउंट्स, बारहवां है डायरेक्ट इनकम, तेरहवां है इनडायरेक्ट इनकम, फिर है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सब ग्रुप कौन कौन से हैं? सब ग्रुप में रिजर्व एंड सरप्लस हैं, बैंक अकाउंट हैं, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट एसेट्स हैं, लोन एडवांसेज हैं, स्टॉक इन हैंड है, सनडे डेटर्स हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेज हैं, प्रोविजन्स हैं, सनडे क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओडी अकाउंट है और ओसीसी अकाउंट है, सिक्योर्ड लोन है और अनसिक्योर्ड लोन है। इन 15 प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत ही ये 13 जो सब ग्रुप बनाए गए, इन सबको एडजस्ट किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों को समझना जरूरी है कि किस ग्रुप का इस्तेमाल कहाँ पे कैसे करना है। जब हम ग्रुप और लेजर को क्रिएट करते हैं तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि हमारा कौन सा लेजर किस ग्रुप के भीतर जाएगा। अगर हम ग्रुप का लेजर ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे अकाउंटिंग्स के जो रिजल्ट्स आते हैं, बैलेंस शीट हो गए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गए, ये सारे गलत आते हैं। तो सबसे मेन ये ज़रूरी है ये जानना कि हमारा कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट में सभी कैपिटल और रिवर्सेज को रखा गया है। जैसे प्रोप्राइटर का जो कैपिटल अकाउंट होगा, आनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे, जो शेयर कैपिटल हैं, ये सारे हमारे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। सेकेंड है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? करंट एसेट्स को समझने के लिए उसको जो है 6 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला सब ग्रुप है बैंक अकाउंट। तो इसमें सभी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को रखे जाते हैं। जितने भी प्रकार के बैंक अकाउंट हैं वो सारे बैंक अकाउंट इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन वह अकाउंट लोन या लाइबिलिटीज के नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद जो है अगला जो है हम लोगों का है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में क्या है?
कैश इन हैंड में हमारे कैश के अकाउंट, पेटी कैश के अकाउंट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। हमारे जितने भी कैश के अकाउंट हैं या पेटी कैश के अकाउंट हैं, ये सारे हमारे कैश इन हैंड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स में रेंटल डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और अकाउंट्स डिपॉजिट, ये सब आते हैं जो कंपनी ने कहीं डिपॉजिट कर दिए हैं बट रिसीव नहीं हुए। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों का है लोन एंड एडवांसेज। लोन एंड एडवांसेज का प्रयोग जो है नॉन ट्रेडिंग नेचर में किया जाता है। जैसे हमने अपने स्टाफ को सैलरी एडवांस दे दिया है, हमने गुड्स हमने जो है फिक्स एसेट परचेज करने के लिए अपने सप्लायर को कुछ पैसा एडवांस दे दिया गया है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। स्टॉक इन हैंड, अगला ग्रुप हम लोगों का है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में सभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आते हैं। यह एक स्पेशल ग्रुप है और इस ग्रुप में के अंतर्गत जितने भी लेजर्स हम बनाते हैं सबके बैलेंस ऑटोमेटिक इस ग्रुप में आ जाते हैं। अगला ग्रुप है हम लोगों का सनी डेटर्स। सनी डेटर्स में अपने सारे कस्टमर्स के लेजर्स बनाते हैं जो बिजनेस से गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है करंट लाइबिलिटीज। इस करंट लाइबिलिटीज ग्रुप में हमारे जो है तीन सब ग्रुप बनाए गए हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, प्रोविजन और सन्ट्री क्रेडिटर। तो करंट लाइबिलिटीज क्या है? करंट लाइबिलिटीज में हमारी स्टेचुरी लाइबिलिटीज हो गई, जैसे पीएफ का पैसा हो गया, टीडीएस हो गया, ईएसआई हो गया, जो मेरे बिजनेस पर एक लाइबिलिटी के रूप में शो होती हैं, जो एक फिक्स समय के बाद रिपीटेड होती हैं, वो सब इसके अंतर्गत रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बिजनेस की जो मेजर लाइबिलिटीज होती हैं वो होती हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब कि जो टैक्स हमारे ऊपर ड्यू है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हेड के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सेल टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर हमारे प्रोविजंस जो हैं, जैसे हमारे प्रोविजन हैं डिप्रिसिएशन के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए। एडवांस अकाउंटिंग के लेसन्स में प्रोविजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और फिर है हम लोगों के सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारे जो है कस्टमर के सारे लेजर क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो ग्रुप है वो है फिक्स एसेट्स। बिजनेस में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, जो चीज़ें बिजनेस के लिए हैं, जिनको बिजनेस अपने लिए बाय करता है, खरीदता है, वो हमारे कहलाते हैं फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट क्या है? बिजनेस इसका प्रयोग खुद के लिए करता है वो हमारे फिक्स एसेट्स हैं। अब अगला ग्रुप हम लोगों का है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट, जैसे बॉन्ड्स हो गए, शेयर हो गए, लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट्स हो गए, ये सब आते हैं। लोन लाइबिलिटी में क्या है? लोन लाइबिलिटी में हमारे बैंक के ओडी अकाउंट आते हैं, ओडी अकाउंट या ओसीसी अकाउंट। ये दोनों अकाउंट लगभग लगभग सेम नेचर के हैं, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। हालांकि टैली में आप देखेंगे तो इन दोनों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। ओडी अकाउंट अलग है, ओसीसी अलग है, लेकिन वो उसका अलियाज है। वो दोनों लास्ट में कहीं ना कहीं सेम हेड में जाकर मिलते हैं। ठीक, उसके बाद सिक्योर लोन। सिक्योर लोन का मतलब एक ऐसा लोन जो किसी एसेट्स के बदले दिया जाए, तो वह लोन हमारा सिक्योर लोन कहलाता है। हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक्स अगर हमको लोन देने से पहले कोई सिक्योरिटी के पेपर्स हो गया, ये सब अगर हमसे लेता है तो हमारा सिक्योर लोन के अंतर्गत आता है। अनसिक्योर लोन के अंतर्गत पार्टनर के द्वारा लगाया गया पैसा, डायरेक्टर के से लिया गया लोन, या किसी आउटसाइड पार्टीज हो गए, फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके द्वारा लगाया पैसा हमारा फ्रेंड एंड फैम इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग का है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट से नाम से पता चल जाएगा, सस्पेंस का मतलब था संदिग्ध। वह पैसा जिसका अमाउंट कन्फर्मेशन ना हो, एग्जैक्ट अमाउंट कन्फर्म ना हो, ये सारे हमारे सस्पेंस अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला है मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस में हमारे ऐसे एक्सपेंस आते हैं जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कंपनीज एक्ट में आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों के लिए मेंशन किया गया है। छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रांचेज एंड डिवीजन। ब्रांचेज एंड डिवीजन के अंतर्गत क्या है? ब्रांचेज एंड डिवीजन में ऐसे अकाउंट्स हेड को रखा गया है जैसे एक बिजनेस की एक से अधिक ब्रांचें हैं, और उन ब्रांचों के बीच में आपस में अगर कोई ट्रांजेक्शन होना है तो उस ट्रांजेक्शन को ब्रांच और डिवीजन के अंतर्गत उनके हेड क्रिएट किए जाते हैं।
अब नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स में सभी प्रकार के सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे डोमेस्टिक सेल्स हो गए, एक्सपोर्ट सेल्स हो गए, सेल्स लोकल हो गए, सेल्स इंटर स्टेट हो गए, सेल्स रिटर्न हो गए, ये सारी हमारे सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला है हम लोग का परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में सभी परचेज की रिकॉर्डिंग की जाती है, चाहे वो परचेज लोकल हो, चाहे वो परचेज इंटर स्टेट हो, ये सारे हमारे जो है परचेज अकाउंट के अंतर्गत रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जो ऐसे इनकम जो गुड्स की सेल्स से मिलता है वो हमारा डायरेक्ट इनकम कहलाता है। इनडायरेक्ट इनकम क्या है? जो नॉन ट्रेडिंग इनकम होते हैं, जैसे रेंट रिसीव हो जाए, कमीशन रिसीव्ड हो जाए, इंटरेस्ट रिसीव हो, ये सारे हमारे जो है इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली ट्रेडिंग के एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, जैसे वेजेज हो गया, लेबर्स के चार्ज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारे हमारे जो है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। अब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो जैसे सैलरी पे का दिया जाने वाला एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। नेक्स्ट हमको समझना है लेजर्स क्या होते हैं। लेजर ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिनमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब यहीं से हम लोगों को प्रैक्टिकल का पोर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को सीखना होता है कि लेजर को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के मेथड्स कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे मेन चीज़ है लेजर। लेजर में ही सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेजर ट्रांजेक्शन का एक होल्डर है जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग में जो काम हमारा जो है जर्नल में होता था वो काम हम इसमें जो है लेजर्स के अंतर्गत बनाकर करेंगे। तो लेजर कैसे बनाना है, लेजर बनाने के मेथड्स कितने हैं, ये सारा चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में कवर करते हैं। यहाँ पर अपनी कंपनी को हमने पहले से ओपन करके रखा है, ये हमारी कंपनी है, और अब हम लोगों को सीखना है कि लेजर्स हमारे कितने किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं और उनको क्रिएट करने के मोड कौन से हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो मिलेगा। अकाउंट्स इन्फो करने के बाद आपको लेजर्स के ऑप्शन मिलेंगे, और लेजर में आने के बाद आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट दो जगह मिलेगा, एक यहाँ सिंगल लेजर है, एक यहाँ पर मल्टीपल लेजर है। अगर एक एक करके हम लेजर को बनाना चाहें तो सिंगल लेजर के अंतर्गत आता है, अगर एक साथ हम कई सारे लेजर्स को बनाना चाहते हैं तो हमारे मल्टीपल लेजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए पहले इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन एक दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडिंग हैविंग कैपिटल ₹45,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग ₹80,000। यानी 1/4/2020 को सूर्या के पास जो कैपिटल है वह ₹45,000 है, और जो लैंड और बिल्डिंग का अमाउंट है वो ₹80,000 है। इस 45 और 80,000 रुपये के लिए हमको दो लेजर्स बनाने हैं। अब लेजर बनाने के लिए हमको जाना होता है, हमको जाना होता है गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ से अकाउंट्स इन्फो पर, फिर लेजर में। अब यहाँ पर हम चाहे तो सिंगल सिंगल बना ले, तो चाहे तो डबल लेजर एक साथ बना ले। सिंगल लेजर को बनाने के लिए हम लेजर्स के अंतर्गत सिंगल्स पे जाते हैं और सिंगल के अंतर्गत क्रिएट करते हैं। जैसे हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होती है, और यहाँ पर सबसे पहले हमको लेजर बनाना है कैपिटल अकाउंट का, और उसमें ओपनिंग बैलेंस हमको भरना है 45,000। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, नाम हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी का खाता, और यह हमारा कैपिटल एक कैपिटल हेड के अंतर्गत ही रहेगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, इसको नो रहने देंगे, और सबसे लास्ट में आकर हमें यहाँ पर उसका ओपनिंग बैलेंस भरना होता है। तो यहाँ पर इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 45,000। तो हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भर दिया 45,000, 45,000, और इसको हमने एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों को जाना है, अगला लेजर हम लोगों को देखना है लैंड और बिल्डिंग का बनाना है।
तो हम जानते हैं कि लैंड और बिल्डिंग बिजनेस के लिए एक प्रकार के फिक्स एसेट है, यानी इनका ग्रुप फिक्स एसेट रखना होगा। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे, हमारा लेजर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक। चूंकि फिक्स एसेट है इसलिए हम एफ प्रेस करेंगे, हम फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें उसका अमाउंट सेलेक्ट करना है। इसमें अमाउंट है हमारा 80,000, 80,000 रुपये, तो हम यहाँ पर भर देंगे 80,000 रुपये। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने कैपिटल का लेजर बनाया था तो वो क्रेडिट हुआ था, और जब हमने लैंड और बिल्डिंग का लेजर बनाया है तो वो डेबिट हुआ है। क्यों? क्योंकि कैपिटल हमारा एक प्रकार का कैपिटल है, और कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटीज हमेशा बिजनेस में क्रेडिट होता है। लैंड और बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, एसेट्स बिजनेस में हमेशा डेबिट होता है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार हमें लेजर बनाने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले हमको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, फिर लेजर में जाना है, फिर सिंगल लेजर में जाना है, फिर क्रिएट करना है। लेजर का नाम हमको रखना है कैपिटल अकाउंट, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे रखा है। ग्रुप भी रखना है कैपिटल अकाउंट, और इसमें बैलेंस जो हमको भरना है 45,000 भरना है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए एक प्रकार की लाइबिलिटी है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब नेक्स्ट हमको जो है, अब हम मल्टीपल लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ों को हमको समझना है। तो मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए एक और एग्जांपल हमने ले रखा है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल टू। इसमें बोला जा रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग लोन अकाउंट इन एक्सिस बैंक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्सिस बैंक लोन अकाउंट इज 65,000, कंपनी हैविंग इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड, ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट इन 85,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2020 को सूर्या ट्रेडर्स के पास एक लोन अकाउंट है जो एक्सिस बैंक में है, और उसका लोन अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वह है 65,065 रुपये, और उसके पास एक गोल्ड बॉन्ड भी है, और वह गोल्ड बॉन्ड आपका 85,000 है। यानी हमें दो लेजर बनाने हैं, एक लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड। इसको बनाने के लिए अब हम मल्टीपल तरीके का इस्तेमाल करेंगे, एक साथ कई लेजर अगर हमको बनाना है तो मल्टीपल लेजर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना होता है, अकाउंट्स इन्फो में जाना होता है, फिर लेजर्स में जाना होता है, फिर मल्टीपल लेजर के अंतर्गत क्रिएट के ऑप्शन पे जाना होता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। स्केप से हम लोग वन स्टेप बैक आते हैं, लेजर्स में हम लोग आ गए, और मल्टीपल के अंतर्गत हमने क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ लेजर में सबसे फर्स्ट लेजर हमको रखना है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, हम लिखेंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, ठीक। ये लोन का अकाउंट है इसलिए हम इसको रखेंगे सिक्योर लोन के अंतर्गत, और यहाँ पर जिसका बैलेंस होगा वो है 65,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड, चूंकि यह बिजनेस के लिए प्रकार का इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रखेंगे, और इसका बैलेंस हो जाएगा 85,000। तो हम यहाँ पर भर देंगे 85,000, और इसको हम कर देंगे डेबिट। तो अगर मल्टीपल में हमको लेजर बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं, और सिंगल सिंगल लेजर बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया, आप दोनों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करें, दोनों लेजर्स आपके बन के तैयार हो जाएंगे। अब इस तरह लेजर बनाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर और ले रखा है। ये हमारे लेजर हैं रैक्सन लिमिटेड, ICICI बैंक, फर्नीचर और सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबके ग्रुप आगे दे रखे हैं और इन सबके ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो चलिए इनको हम जो है मल्टीपल लेजर्स के अंतर्गत क्रिएट करना इनको दोबारा सीखते हैं। मल्टीपल लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है,
लेजर्स में जाना होता है और मल्टीपल के ऑप्शन के अंतर्गत क्रिएट का ऑप्शन रखना होता है। और इसमें सबसे पहला लेजर है रिएक्शन लिमिटेड, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ऑल आइटम। सबसे फर्स्ट हमारा है रिएक्शन, तो हमने भर दिया रिएक्शन लिमिटेड। ठीक, इसका ग्रुप है सनरी क्रिएटर, तो हम यहाँ पर रखेंगे सनरी क्रिएटर। और इसका अमाउंट है 95,000, तो हम यहाँ पर भर लेंगे 95,000। अब यहाँ पर हमको भरना होगा, चूंकि ये उनका ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इसका ग्रुप है बैंक अकाउंट, और इसमें जो अमाउंट भरना है 55,000 भरना है। तीसरा हमारा फर्नीचर का अकाउंट होगा, जो भी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत होगा, और इसका बैलेंस है 50,000। फर्नीचर अकाउंट को हम रखेंगे फिक्स एसेट के अंतर्गत, और इसका जो बैलेंस है वो हमारा है 50,000, यानी 50,000 रुपये। तो हम आ गए और यहाँ पर भर दिया 50,000। नेक्स्ट सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर है, जो सनी डेटर्स है, और 45,000 है। इस प्रकार से हम ये सारे लेजर्स को बनाकर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जो लेजर्स आपने बनाए हैं उनको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं और उनको अल्टर कैसे करते हैं, वो चीज़ हमको समझना है, लेजर्स को अल्टर करना और लेजर का डिस्प्ले करना, ये सारी चीज़ें हमको समझना है। तो अल्टर करने का तरीका क्या है, आप लेजर्स में जाएं, अकाउंट्स इन्फो में, लेजर्स में, और अल्टर करेंगे। अल्टर करने का मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना। मान लीजिए कोई स्पेलिंग हमसे गलत हो गया, कोई अमाउंट हमसे गलत हो गया, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जितने भी लेजर हमने बनाए सब लेजर हमको यहाँ पर दिखेगा। अब रिज्यूम करिए कि जो ये हमारा लेजर है फर्नीचर अकाउंट, हमारी स्पेलिंग गलत हो गई, या बाद में हमें याद आया कि ये फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स होना चाहिए, ये गलत हमने फर्नीचर लिख दिया है, उसको सही करने के लिए हम यहाँ पर दोबारा इसको टाइप कर सकते हैं फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स अकाउंट। इसको फिक्स एसेट के अंतर्गत ही रहने देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया लेजर को अल्टर करना। अब हम लोग को सीखना है लेजर को देखना, तो लेजर में जाने के बाद हमको डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा। डिस्प्ले में करने के बाद हम जिस लेजर को चाहें उस लेजर को हम यहाँ से देख सकते हैं, लैंड बिल्डिंग को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो लेजर में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट का मतलब नया लेजर बनाना, डिस्प्ले मतलब देखना, अल्टर का मतलब उसे मॉडिफिकेशन करना या कोई करेक्शन करना। जिस तरह हमने लेजर बनाया उस तरह हम ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए जितने भी मेरे बिजनेस पर बकाया अमाउंट है, हम एक उसको नए ग्रुप में रखना चाहते हैं, इसके लिए हम उसके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक ग्रुप बनाते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो में हम आ गए, ग्रुप में आ गए, क्रिएट में आ गए, और यहाँ पर हम बनाएंगे Outstanding Expenses। Outstanding Expense को हम रखते हैं Current Liabilities में, तो ये हमारे लिए Current Liabilities हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन को आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको सेव कर लेना है। इस तरीके से हम कोई ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप को हम मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन में जाकर हम ग्रुप क्रिएट कर लें। अब यहाँ पर हम सारे ग्रुप को बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए हमने एक ग्रुप का एग्जांपल ले रखा है। जैसे देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें।
अब प्रैक्टिस करने के लिए एक टेबल यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें डेटर्स जो साउथ के हैं, हमारे डेटर्स का मतलब कस्टमर, जो नॉर्थ के हैं उनको उनका ग्रुप बनाया गया है, साउथ का बनाया गया है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हमको ग्रुप बनाना है डेटर्स नॉर्थ, और इसको रखना है संडे डेटर्स के भीतर। फिर हमको ग्रुप बनाना है डेटर्स साउथ, इसको भी रखना है संडे डेटर्स के भीतर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ग्रुप में आ गया क्रिएट, हमने लिखा डेटर्स नॉर्थ, इसको हमने रखा संडे डेटर्स के अंदर। फिर डेटर्स साउथ, इसको भी हम रखेंगे सनी डेटर्स के ही। तो ये दो हमारे सब ग्रुप हो गए, सनी डेटर्स हमारा मेन ग्रुप हो गया और ये दो हमारे सब ग्रुप हो गए। अब इन सब ग्रुप के भीतर हमें कुछ ग्रुप्स और बनाने हैं। जैसे ये देखिए बेंगलोर डेटर्स का है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। टैली में कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी ऑप्शन होता है, लेकिन पेस्ट करते समय आपको जब आप मल्टीपल में जाके पेस्ट करना होगा तो यहाँ पर आपको कंट्रोल अल्ट वी का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे बेंगलोर डेटर्स जो हैं वो हमारे डेटर साउथ के अंतर्गत आते हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है डेटर साउथ। फिर नेक्स्ट हमको बनाना है हैदराबाद डेटर्स, ये भी डेटर साउथ के अंतर्गत ही रहेगा। हैदराबाद डेटर्स और इसको भी हमें रखना है डेटर्स साउथ के अंतर्गत। तीसरा हमको बनाना है इंदौर डेटर्स, ये हमारा होगा डेटर्स नॉर्थ। और लास्ट हमारा जो डेटर्स है वो नॉर्थ दिल्ली डेटर्स है। और ये है हमारा डेटर्स नॉर्थ। तो इस तरह से हमने चारों डेटर्स को देख लिया और इसको फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर किसी डेटर्स को हमें अल्टर करना हो तो हम ग्रुप में आके अल्टर ऑप्शन पे जाके हम उसको अल्टर भी कर सकते हैं। जैसे हमारे डेटर्स नॉर्थ को हमें अल्टर करना था, हमने अल्टर कर दिया है, जो भी चेंजेस करना हम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ देखना है तो लेजर की तरह अगर हमें यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा है डिस्प्ले, डिस्प्ले पे आके जिस ग्रुप पर क्लिक करेंगे वो ग्रुप हमको सिर्फ डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई, लेकिन आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।